कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य आदरणीय जो कदम मित्र आदरणीय भरत भाई सोलंकी गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सम्माननीय आदरणीय सिद्धार्थ भाई पटेल आदरणीय राजू परमार साहब आदरणीय सागर रायका जी मेरे सहयोगी भाई मौलिन वैष्णव जी राष्ट्रीय संगठन मंत्री और गुजरात के प्रभारी श्री प्रताप नारायण मिश्र जी प्रदेश के मुख्य संगठक श्री मंगल सिंह सोलंकी जी महिला संगठक नीला बेन गोहे प्रदेश सेवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण मंच पर आसीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानीगण कांग्रेस सेवा दल परिवार के सम्मानित बुजुर्गों और समक्ष बैठे हुए कांग्रेस सेवा दल परिवार के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण आए हुए साथियों और मीडिया के सभी आदरणीय बहनों और भाइयों आज हम सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उस बड़े आंदोलन के स्मरण के लिए उपस्थित हैं जिस पर विशेष रूप से प्रकाश डालने के लिए तो आदरणीय अहमद पटेल साहब उनका मार्गदर्शन और उनका उद्बोधन ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा परंतु वर्तमान संदर्भ में कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। आज जिस प्रकार गांधी के मूल्यों गांधी के विचारों को जिसके लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिन मूल्यों के लिए जिन आदर्शों के लिए लड़ती रही उन समान सारे आदर्श और मूल्यों के ऊपर कहीं ना कहीं एक संकट के बादल हैं और चुनौतियां भी उनके समक्ष हैं। कांग्रेस सेवा दल जैसा आप जानते हैं कि दांडी यात्रा में जब महात्मा गांधी ने इसको आरंभ किया था उस समय इसकी शुरुआत के समय लोगों को लगता था कि इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है क्या वो पूर्ण हो सकता है क्या ये यात्रा का निर्णय उचित है तमाम सारे उन उहापोह की अवस्था में और उस मानसिक विमर्श के बाद भी बहुत सारे लोगों की असहमति थी लेकिन गांधी के पास में जो सबसे बड़ी ताकत थी गांधी के पास आत्मबल था और आत्मबल के वशीभूत उन्होंने जब इस यात्रा को आरंभ किया तो वो जो कहा जाता है कि मैं अकेला ही चला था जाने दे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। उस दौर में गांधी ने सबसे बड़ी बात थी गांधी की इस यात्रा के पीछे उद्देश्य था इसमें उस तमाम सारे तबकों को साथ लेने की बात थी जिसमें समाज के गिरिजन थे सर्वहारा वर्ग के लोग थे अल्पसंख्यक समुदाय था सर्वधर्म के लोग थे उन सबको साथ लेकर गांधी ने यात्रा आरंभ करी और उस रास्ते जहां जहां से वो निकलते गए उस यात्रा के प्रभाव से लगभग 300 अधिकारियों ने अपनी नौकरियों से इस्तीफा देकर के उस आंदोलन में भाग लेना आरंभ किया। कहने का मकसद ये है कि गांधी ने आज से वर्षों वर्ष पूर्व लगभग 86 वर्ष पूर्व जब ये यात्रा आरंभ करी थी तो वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष था अंग्रेजों के अंदर भी दमनकारी नीतियां थी लगभग वही अवस्थाएं फिर कहीं न कहीं वो बादल हमको नजर आने लगे हैं। इसलिए कांग्रेस सेवा दल के साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता की और सैनिक की परीक्षा की घड़ी होती है कि जब किसी भी विचारधारा पर कोई कुठाराघात होने लगे किसी प्रकार की उस विचारधारा को दबाने का दमन करने का प्रयास किया जाए तो स्वाभाविक रूप से एक वैचारिक कार्यकर्ता के रूप में अगर आप खड़े होते हैं और वो संघर्ष आप करते हैं ये लड़ाई विचारों की ही है। देश की कांग्रेस की मूल स्थापना जिसमें गांधी के मार्गदर्शन में यही कहा गया था कि लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता
समाजवाद, सर्वधर्म संभाव जैसे मूल तत्व जिससे कि पूरा ताना बाना इस हिंदुस्तान की तमाम कौम का ताना बाना था, उसके आधार पर देश हमने चलाया। और देश आज की स्थिति में भारत अगर किसी अवस्था में पहुंचा है तो उस गांधी की सोच, उस गांधी के मार्गदर्शन में ही कांग्रेस ने काम करके हम यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए मित्रों याद रखिए कि किसी कवि ने कहा है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इसलिए आप एक दीपक बन के जलने का प्रयास करिए। है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य है बस नाम के, जो न देखे कहीं उजाला वो भला किस काम के। इसलिए एक दीपक बनना ज्यादा बेहतर है। हर जगह अपने अपने स्थान पर ये काम करना आरंभ करेंगे। कुछ लोग हैं जो आज की स्थिति में, क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत अधिक राजनीतिक बातें करना चाहिए और इसका अवसर भी नहीं है, लेकिन संघर्ष है और उस संघर्ष का मुकाबला हमको करना पड़ेगा। उसको करने के लिए जो संगठन कभी अपना रूप, कभी स्वरूप और कभी अपने कपड़े बदल करके आना चाहते हैं, उनको और उनके आकाओं को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कपड़े बदलने से, मुखौटे लगाने से कुछ काम नहीं होगा। आपको अपना विचार और अपना चरित्र जब तक नहीं बदलोगे, जब तक भारत के आम आदमी के अनुकूल और भारत की संस्कृति के अनुकूल आप अपना चरित्र नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी स्वीकार्यता किसी रूप में नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज समूची कांग्रेस यहां पर उपस्थित है। गुजरात जहां से सत्य की लड़ाई गांधी ने आरंभ करी थी, दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था यह है कि कुछ असत्य के आधार पर कुछ लोग अभी दिल्ली में कब्जा किए हैं। सत्य और असत्य के बीच में हम सत्य के साथ खड़े हैं। सत्य परेशान हो सकता है, प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य और अहिंसा के संघर्ष में हम आप नेतृत्व को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इस सत्य के संघर्ष में कांग्रेस सेवा दल बिल्कुल अडिग रहेगा, संकल्पवान है। और हम इन सारे संघर्षों को आरंभ करते हैं उस गांधी के दर्शन में और हमारे नेताओं के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगायत और हमारे वर्तमान नेतृत्व के साथ हम खड़े होकर के इस देश के आम जनों के लिए जो काम गांधी ने उस संघर्ष के माध्यम से हमको संदेश दिया था, उस दांडी यात्रा जिसका समापन 6 अप्रैल को होगा, हम इसको हर वर्ष प्रतीक रूप में मनाते हैं। आप भी इसी परंपरा को कायम रखें। और कोई भी राजनीतिक दल अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति और इतिहास से कायम रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मंच के प्रति अपना आदर व्यक्त करते हुए, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और मीडिया के सभी साथियों ने जो आज हमको यहाँ पर आकर के अपना अमूल्य समय दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।